सिंगरौली जिले को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत स्वच्छता टॉप 10 के श्रेणी में लाने हेतु नगर पालिक निगम द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता कार्य को देखने के पश्चात प्रवास पर कई अधिकारी नगर पहुंचे। रीवा जोन से आईजी चंचल शेखर, एसपी अभिजीत रंजन व एएसपी प्रदीप शेंडे के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचे एवं निगम के अधिकारियों के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत एक बैठक में सम्मिलित हुए। वहीं आईजी चंचल शेखर ने कहा कि नगर निगम द्वारा जो स्वच्छता का कार्य किया जा रहा है वह सभी सेवाओं से बढ़कर है। यह सेवा शहर की सभी सेवाओं से आगे है। इसके लिए पूर्व नगर पालिक निगम आयुक्त शिवेंद्र सिंह ने आईजी शेखर व पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन का स्वागत करते हुए निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 हेतु चलाए जा रहे कार्यों के संबंध व शहर को दूसरी बार ODF में अव्वल आने के संबंध में अवगत कराया। उक्त समय TI अरुण पांडे, TI राघवेंद्र द्विवेदी, यातायात प्रभारी अजय प्रताप सिंह, कार्यपालन यंत्री VP उपाध्याय, स्वच्छता निरीक्षक संतोष द्विवेदी सहित नगर निगम के अन्य कई अधिकारी मौजूद रहे। मैं आज सिंगरौली शहर के भवन पे आया हूँ। अचानक मुझे नगर पालिका निगम में आने का अवसर मिला है। मुझे यह बात जानकर बहुत प्रसन्नता है कि सिंगरौली नगर पालिका स्वच्छता अभियान में दिन प्रतिदिन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 91 स्थान से पिछले 3 साल में 21वें स्थान पे आ गई है और जिस तरह से मैंने देखा पूरे टीम को काम करते हुए और लोगों की समस्या को सॉल्व करते हुए और तुरंत किसी कचरे के स्थान पे जाकर और उसका मैनेजमेंट करना, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष जो स्वच्छता के सर्वेक्षण चल रहे हैं उसमें सिंगरौली नगर पालिका निगम अंडर 10 के स्थान पर आएगा। इसके लिए सभी जनता का, सभी अधिकारियों का एक टीम के जैसा मिलकर एक योगदान देना बहुत ज़रूरी है ताकि यह गौरव सिंगरौली शहर प्राप्त कर सके।